व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की हमारी इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, फाइनली हमने अपनी बाइक में ये DRLs लगा दी हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे इन DRLs के लिए, तो इसलिए हमने फाइनली ये लगा ही दिए। एंड गाइस, ये हमने बिना हेडलाइट को पूरी तरह खोले लगाए हैं। एंड गाइस, अगर आप भी इन्हें लगाना चाहते हो अपनी बाइक में तो देखते रहिए ये वीडियो आगे तक। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हमें ये तीन चीज़ें चाहिए होंगी, तो गाइस देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें 220 ओम का रेजिस्टेंस लेना है। तो गाइस, ये 220 ओम के रेजिस्टेंस क्या करते हैं, क्योंकि हम 12 वोल्ट से ये छोटी LED जलाने वाले हैं तो वे लाइट फ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम इन रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। एंड गाइस, ये फाइनली मेरे पास कॉपर स्ट्रिंग लाइट है जो कि मैंने पहले बाय की थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा LEDs हैं और काफ़ी ज़्यादा छोटी है, जिससे हम बिना हेडलाइट को खोले ही इन्हें अंदर की तरफ लगा सकते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा वायर चाहिए होगा जिससे कि हम कनेक्शन वगैरह कर सकें, तो और बाद में बैटरी से कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा इस तरीके का वायर और चाहिएगा हमें, लगभग 1 मीटर के अराउंड। और गाइस, फिर हमें ये LED इस तरीके से कट कर लेनी है, 4 LED, तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है इसलिए मैं 2-2 LED दोनों तरफ लगाने वाला हूँ। और फिर क्योंकि इसकी ये इंसुलेटेड है, इनके ऊपर इंसुलेशन है, तो उन्हें उतारने के लिए इसे हीट करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। और इसके ऊपर की जब इंसुलेशन जल जाएगी तब हम इसके ऊपर ईजिली लगा सकते हैं वायर्स या फिर इन्हें चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गाइस इन सारी LED के पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लेने हैं। तो वो कैसे करेंगे, एक छोटी सी बैटरी ले लेंगे जिससे ये LED फ्यूज़ ना हो। अगर फ्यूज़ होने का डर है तो बैटरी में पहले रेजिस्टेंस लगा ले कोई से भी वायर में और फिर LED चेक कर ले। तो देखिए, जो पॉजिटिव वायर है वो लेफ्ट साइड का है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, उस वायर को मोड़ दिया है जिससे कि पता चल जाएगी पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो इसी तरीके से सारी LED के मैंने पॉजिटिव वायर मोड़ दिए हैं और पॉजिटिव वायर में ही हम ये रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं। कोई से भी वायर में लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पे पॉजिटिव वायर में लगाने वाला हूँ। तो ये मैंने पॉजिटिव वायर में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और ये हमारा रेजिस्टेंस लगाना कंप्लीट। एंड इसी तरीके से आपको सारी LED में रेजिस्टेंस लगा देने हैं। तो फाइनली ये काम भी पूरा हो चुका है। और अगर आपको इस तरीके की छोटी LED नहीं मिलती है, तो गाइज अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन पड़ा हो ख़राब या डिस्प्ले पड़ी हो टूटी हुई, तो उसके अंदर से गाइस यहाँ से आप LED निकाल सकते हो। देखिए, इसके अंदर 4 LED हैं और अगर आप अच्छे से शोल्डर कर सकते हो तो इन ये लाइट आपके बहुत काम आने वाली हैं। और रेजिस्टेंस लगाना मत भूले, नहीं तो ये फ्यूज़ हो जाएंगी। और फाइनली ये सारी LED में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिए हैं और अब मैं इनमें वायर लगाने वाला हूँ थोड़े से लंबे, और 2 LED हमें एक साथ कनेक्ट करने वाले हैं, तो इसलिए दोनों के जो नेगेटिव वायर हैं वो मैं एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये पॉजिटिव वायर्स हैं, तो दोनों पॉजिटिव वायर भी मैंने इसके कनेक्ट कर दिए हैं। नीचे कनेक्ट होने चाहिए, ऊपर वाले कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ऊपर वाले जो वायर हैं रेजिस्टेंस के, ये अलग होने चाहिए, एक दूसरे में टच नहीं होने चाहिए। तो टच ना हो इसलिए मैं ये टेप इसके ऊपर लगा दे रहा हूँ ताकि ये वायर एक दूसरे के साथ टच ना हो और आपकी LED फ्यूज़ ना हो जाए। तो देखिए, दोनों वायर पे मैंने इस तरीके से टेप लगा दी है और ये हो चुका है हमारा काम आधा कंप्लीट। और अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा लंबा वायर कर लेंगे जिससे कि हम अच्छे से कनेक्शन कर सकें और बैटरी में भी वायर लगाने हैं हमें, तो उसके लिए तो हम अलग वायर यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा वायर लंबा होना चाहिए जिससे कि अच्छे से कनेक्शन कर सके और दिक्कत ना हो। तो दोनों वायर पे हम ये दोनों वायर कनेक्ट कर लेंगे। पॉजिटिव में मैंने ब्राउन अटैच किया और नेगेटिव में ब्लैक। तो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर न्यू है तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो हैं चैनल पे, तो चेक जरूर कर लेना एक बार। एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि न्यू वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और देखिए, दोनों LED मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हमें बस ये LED हेडलाइट के अंदर लगानी है, ठीक है। तो ये काम हमारा पूरा हो चुका है। और देखिए गाइज, ये CB Shine SP है, तो हम इसके DRLs लगाने वाले हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर DRL नहीं आते हैं,
और यहाँ पे वैसे एक होल होता है छोटा सा जैसा कि आप देख रहे हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। तो आज इस छोटे से होल में ही हम ये एलईडी लगाने वाले हैं, जिससे कि हमें हेडलाइट को पूरी तरह खोलना भी ना पड़े और एलईडी भी लग जाए, क्योंकि एलईडी का साइज काफी ज्यादा छोटा है। हम क्या करेंगे, इस हेडलाइट को अलग कर लेंगे। तो इसमें चार स्क्रू होते हैं, इजिली आप इन्हें ओपन कर सकते हो किसी भी स्क्रू ड्राइवर से। तो देखिए मैं इस तरीके से ये सारे स्क्रू खोल दूंगा, दो इस साइड है और दो दूसरी साइड है, तो दोनों इस साइड के खुल चुके हैं और अब दूसरी साइड के खोलने वाला हूं मैं। तो ये लीजिए दूसरी साइड का भी अलग हो चुका है, और अब हल्का सा हिला के आप इस चीज को अलग कर सकते हैं। तो हेडलाइट ये मैंने अलग कर दी है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि ये टूट जाएगा या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं होने वाला है, और ना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप डर जाएं कि भाई ये मैं नहीं कर सकता हूँ। काफी ज्यादा इजी है ये सब करना। देखिए यहाँ से एक वायर हटाना है, इस तरीके से कनेक्टर है, और इस जो ये मेन हेडलाइट है इसमें से भी एक कनेक्टर लगा हुआ है। तो देखिए इजिली आपकी जो हेडलाइट है वो अलग हो चुकी है, और अब हम यहाँ पे एलईडी लगा सकते हैं अपनी। तो इसे अब हम अलग साइड रख देंगे, और अब क्या करने वाले हम गाइस, बैटरी से वायर यहाँ तक लाने वाले हैं। और गाइस हम ये कनेक्शन ऐसे करने वाले हैं कि जैसे ही हम अपनी इग्निशन की खोले तो गाइस ये लाइट जल जाए, यानी चाबी को ऑन करते ही लाइट जलनी चाहिए। तो वो कनेक्शन करने वाले हैं अब हम, क्योंकि स्विच तो हम लगा नहीं सकते, स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ेगा बार बार, इसलिए हम डायरेक्ट की के साथ इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो जहाँ पे बैटरी होती है सबसे पहले आपको वो जगह खोल लेनी है। तो यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है, और देखिए मैंने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया, और अब सिर्फ नेगेटिव वायर ढूंढना है हमें बैटरी का। तो नेगेटिव ब्लैक होता है जैसे कि आप देख रहे हो, और इसके अंदर गाइज ये वाला ब्लू वाला वायर मैं अटैच करने वाला हूँ, थोड़ा सा लंबा, ताकि ये हेडलाइट तक चला जाए। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है, इसके साथ कनेक्ट करके और ये स्क्रू वापस से टाइट कर देना है। इतना बड़ा काम नहीं है, ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। बस इस तरीके से टाइट करना है, और ये वायर अंदर से ले जाके हेडलाइट तक ले लाना है। बस आगे से वायर को पहले ही इंसुलेट मत कर, वो काट मत देना, क्योंकि बैटरी वहां तक ले जाना, वो बैटरी का वायर वहां तक ले जाना है, तो इसलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, स्पार्किंग वगैरह ना हो, इसलिए वायर को आगे से छीलना मत। और देखिए यहां से ये वायर बाहर आ चुका है, और अंदर ही अंदर कनेक्शन हो गया है। तो चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। पॉजिटिव वो नेगेटिव वायर मिल चुका है हमें बैटरी का, पॉजिटिव वायर लगाना है। तो देखिए ये यहाँ पे आपकी जो इग्निशन की है, की का जो लॉक है उसमें से ये वायर यहाँ पे आया हुआ है, आप ढूंढोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और देखिए दो लाल वायर हैं इसमें, तो ये वायर गाइस आपको इजीली मिल जाने वाला है, और ये वायर जो है की में से आया हुआ है, तो आप ढूंढ लेंगे। और देखिए ये इस तरीके से आपको अलग कर देना है, और इसमें दो वायर है, दोनों रेड है, लेकिन एक जो वायर है उस पर ब्लैक कलर की लाइन है और दूसरे पे लाइन नहीं है। तो जो ब्लैक कलर की लाइन है, इस वाले वायर में हमें अपना दूसरा वायर अटैच करना है। तो उसे कैसे करने वाले, हम एक रेड वायर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव वायर है, इसलिए मैं इसमें इसे रेड से रेड वायर इसमें कनेक्ट करने वाला हूँ। तो देखिए इसके पीछे से मैंने डाला, और ये आगे की तरफ से बाहर आ गया, और इसे इस तरीके से मोड़ देना है, और फिर इसे वहीं पे लगाना है जहाँ पे पहले था, क्योंकि हमें वायर तो मिल ही गया है और कनेक्शन भी हो गया है, और अब इसे पहले की तरह मोड़ देंगे। क्योंकि गाइस ये बाइक की जो की होती है वो एक तरह से स्विच का काम करती है, तो उसमें से ही हमने वायर अटैच कर लिया है, जिससे कि हमें स्विच ना लगाना पड़े। और ये हमारे दो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आ चुके हैं, और अब जो है हेडलाइट में हमें वो लाइट अटैच करनी है। तो यहाँ पे होल है और यहाँ पे एक होल है, पहले से ही दिया हुआ होता है ये बाइक के अंदर। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ये छोटी वाली एलईडी हमने इसलिए चूज की है ताकि हमें ये जो हेडलाइट का आगे का ग्लास है वो अलग ना करना पड़े, और इजीली हो जाए काम, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो बस क्या करना है, इसके अंदर एलईडी को लगा देना है और वायर को एडजस्ट कर देना है।
और फिर इसके ऊपर जो इसकी रबड़ आती है वो लगा देनी है, और अब दूसरी तरफ भी इस तरीके से एलईडी दोनों घुसा देंगे। और देखिए यहाँ से एलईडी बाहर आ चुकी है। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें कनेक्शन करना है। उससे पहले ये वाली रबड़ है आपको इस पे लगा देनी है ताकि इसके अंदर धूल वूल ना पड़े और लाइट भी बाहर ना निकले। और अगर आपके बाइक में नहीं है तो आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे काम हो जाएगा आपका इजीली। इस तरीके से आप लगा देंगे तो ये लाइट बाहर नहीं आने वाली है और अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएगी। अब क्या करना है, दोनों एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ अटैच करने हैं। तो इस वाले का पॉजिटिव रेड है और उसका ब्राउन है, तो दोनों के एलईडी के पॉजिटिव अटैच कर दिए और नेगेटिव अटैच कर दिए। दोनों कनेक्ट हो चुके हैं और अब ये ही दोनों वायर हमें बाइक में लगाने हैं। तो हेडलाइट भी रेडी हो चुकी है, डीआरएल्स भी हमने लगा दी है, तो डीआरएल रेडी है और उसके वायर यहाँ पे आ गए हैं बाहर की तरफ से, और अब इसे बाइक में लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे बाइक में से जो हम वायर लाए थे वे हैं, और इन्हें गाइज हमें डीआरएल के वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो देखिए ग्रीन वाला, वो रेड वाला पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाएंगे और नेगेटिव में नेगेटिव। तो पॉजिटिव वायर लग गया है, और इस पर टेप लगाना ना भूले, क्योंकि गाइज अगर वायर टच हो गया तो वायरिंग खराब हो सकती है बाइक की। ठीक है, बाइक की वायरिंग खराब नहीं होगी, लेकिन जो है ये वायर पूरा जल जाएगा, तो इसलिए आप इससे बच के रहिए। तो एक रेड वाला वायर लगा दिया हमने, और अब ये नेगेटिव वायर लगा रहे हैं, और फिर इसके ऊपर टेप, और ये वायर लग चुका है। अब इसे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं की ऑन करके, और देखिए की ऑन करते ही लाइट जल चुकी है। अब जो हेडलाइट के वायर थे वे लगा देने हैं, दो वायर थे, और ये दोनों वायर को अच्छे से लगाने वाला हूँ मैं, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे ताकि वायर ज़्यादा उलझे ना, इधर उधर फैल ना जाए वायर। और ये मैंने लगा दी हेडलाइट मेन की वायर, और अब इसे पहले की तरह स्क्रू इसके वापस से टाइट कर देंगे। तो ये लीजिए, सारे स्क्रू मैंने पहले लगा दिए हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। और दिन में इतना ब्राइट नहीं दिख रहा है, लेकिन रात को गाइस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आप देख ही चुके हो, क्योंकि इस वक्त धूप है ज़्यादा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है लाइट लगी हुई। और हेडलाइट भी काफ़ी बड़ी लगने लगती है जब ये लाइट जलने लगती है, और काफ़ी ज़्यादा कूल भी लगती है। तो गाइस अब हम इसे रात को टेस्ट करने वाले हैं, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है बाइक में लगी हुई। इस तरीके से गाइस आप भी अपने बाइक में लगा सकते हो। और देखिए हमने हेडलाइट भी नहीं खोली है, और इग्निशन की के साथ इसका कनेक्शन कर दिया है हमने, जैसे कि की को ऑन करते ही आपकी लाइट जो है डीआरएल जल जाए, जैसे कि बाकी बाइक्स वगैरह में जलती हैं, उसी तरीके से इसका भी कनेक्शन हो चुका है। और अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा देना ताकि न्यू वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। एंड गाइज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए एंजॉय करती रहे इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।